तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे जैसे कि आपका ये नंबर जो जिससे वोटर कार्ड या फिर आधार कार्ड से लिंक है उससे कितना आपका सिम निकला हुआ है, तो वो कैसे पता करेंगे। तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एक मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे क्रोम पे आके चैनल का नाम आपको सर्च करना है, तो देख लीजिए हम यहाँ पे अपने चैनल का नाम सर्च कर दिए हैं। ये चैनल का नाम आपको मेनू ट्रिक्स सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च कर लीजिएगा तो आपको नीचे आना, नीचे जैसे आएंगे तो फर्स्ट लिंक मिल जाएगा आपके मोबाइल में, मेनू ट्रिक्स ब्लॉग पोस्ट डॉट कॉम। तो इस पर क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो एक न्यू पेज ओपन होगा। तो इससे अच्छा है कि आप लिंक डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करके डायरेक्ट पेज पे आ जाइएगा, नहीं तो यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा मोबाइल नंबर सिम एक्टिवेशन। ये सर्च करने के बाद ऊपर में आएगा, तो इस पर रीड मोर पे क्लिक करना है और इसका पूरा प्रोसेस जानेंगे, सच है या झूठ है क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पे शुरू में आ रहा है आपके नंबर से कितना सिम एक्टिव है पता करें। उसके बाद यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे आईडी कार्ड दूसरा व्यक्ति सिम चला रहा है, मतलब जो आपका आईडी कार्ड है उससे दूसरा व्यक्ति अगर सिम चला रहा है, तो आपके आईडी कार्ड किसी भी तरह का सिम चल रहा है तो वो आपके मुसीबत में भी डाल सकता है। अगर वो गलत यूज करता है तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपकी आईडी पे कितने सिम एक्टिव हैं इस बात को पता लगाने के लिए सरकार ने एक पोर्टल तैयार किया है। नियम के मुताबिक देखिए, एक आईडी से 9 सिम ओनली एक्टिव होता है। इतना जान ले आप पहले कि एक आईडी से सिर्फ 9 सिम एक्टिव होते हैं, और अगर जम्मू कश्मीर असम सहित उत्तर प्रदेश में सिर्फ 6 सिम ही एक्टिव होंगे, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य पर ये लागू होता है कि सिर्फ 6 सिम आप चला सकते हैं ओनली। तो आगे आप यहाँ पे देखिए, अब दूर संचार विभाग ने इससे ज़्यादा सिम रखने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिए हैं। यदि कोई ग्राहक तय नंबर यानी कि 6 और 9 जो तय नंबर है उससे ज़्यादा सिम अगर रखता है तो उसको KYC करानी होगी। इसे लेकर 7 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 7 दिसंबर को, तो आज देख लीजिए यहाँ पे 11 दिसंबर है, तो KYC के 60 दिन बाद का वक्त दिया जाएगा। और इंटरनेशनल रोमिंग भी, अगर फिर उसके बाद यहाँ पे बीमार और विकलांग को 30 दिन ज़्यादा का समय मिलेगा, यानी कि 60 दिन ऐसे मिलेगा नॉर्मल व्यक्ति को, तो उनको 90 दिन का टाइम मिलेगा। और उसके बाद आपके आईडी पे कितने सिम एक्टिव हैं इसका पता होना ज़रूरी है। ये सही बात है, आपको पता होना ज़रूरी है। तो यदि आपके एक्टिव है तो इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं तो उसको कैसे बंद करेंगे वो भी आप देख सकते हैं। इस तरह का आधार कार्ड से कितना सिम खुला है ये जान सकते हैं, सच्चाई इस वीडियो में आपको मिल जाएगा पूरा। और ये जो मिला है न्यूज़ हमें दैनिक भास्कर से मिला है, आज का न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं, उसमें साफ साफ बताया गया ये। तो आप देख लीजिए प्रोसेस, पहले हम बता देते हैं यहाँ पे, देख लीजिए शुरू में भी। तो सबसे पहले इस पे जाना है, ये वेबसाइट का नाम यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले tafcopdigitalgovernment.portal पे जाए, तो यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करिएगा तो ओपन हो जाएगा। तो पहले हम बता देते हैं फिर उसके बाद आगे बताते हैं। यह बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डालें, OTP की मदद से लॉगिन करें, ये करके हम बताएंगे अभी। लिस्ट में ऐसा कोई नंबर है जो आपका नहीं है तो उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए दिस इज नॉट माई नंबर को सेलेक्ट करें और उसके ऊपर बॉक्स में आईडी का नाम लिख डालें। उसके बाद अब नीचे की तरफ रिपोर्ट बॉक्स पर क्लिक कर दे। शिकायत करने के बाद आपके एक टिकट आईडी रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, उसके बाद आगे प्रोसेस करना। चलिए हम यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर दे रहे हैं। तो जैसे ही क्लिक करिएगा तो इस वेबसाइट पे आप आ जाइएगा, तो यहाँ पे इंटर योर मोबाइल नंबर बता रहा है, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं, फिर उसके बाद आगे आपको बताते हैं। और उसके बाद रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपके फ़ोन में जो है एक OTP आएगा, तो OTP आपको यहाँ पे डालना है, फिर वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो थोड़ा हम वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं OTP कब तक आ रहा है। तो हम OTP डाल के आगे वैलिडेट पे क्लिक करके आगे हम आपको प्रोसेस बताते हैं। कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण ये नहीं आ रहा है, तो आप सेम यही प्रोसेस करिएगा तो उसके बाद ये आपको दिखा देगा। तो अभी टेक्निकल इशू के कारण हम आगे बता नहीं पा रहे हैं। तो इससे पहले हम एक वीडियो इस पर बनाए थे ऑलरेडी, बहुत दिन हो चुकी है, तो वो देख लीजिएगा। इसके आगे का प्रोसेस लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे।